हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसे सनकी डॉक्टर की है जो इंसानों को जानवर में तब्दील करता है और उसे अपना पालतू जानवर बनाकर अपने घर में रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कार में बैठकर एक तस्वीर को देख रहा होता है। उस तस्वीर में तीन कुत्ता रहता है जो एक दूसरे से चिपके होते हैं। तभी वहाँ एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक में से एक ड्राइवर निकलता है टॉयलेट करने के लिए। उसी वक्त वो डॉक्टर पीछे से उसके ऊपर गन तान देता है। इसकी दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम लिंडसे और दूसरे का नाम जेनी होता है। ये दोनों न्यूयॉर्क की रहने वाली होती है और यहाँ ये लोग जर्मन घूमने के लिए आते हैं। लिंडसे कॉल में होती है और जेनी से कहती है, आज कहीं घूमने चलें। जेनी कहती है, हाँ आज क्लब चलते हैं। इसके अगले सीन में दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन लोगों की कार की टायर पंचर हो जाती है। तभी जेनी कार से उतरकर मैकेनिक को कॉल करती है पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। ये दोनों उस कार को रोककर उनसे हेल्प मांगते हैं। उस कार में एक बूढ़ा बैठा होता है और वो इन लोगों से कहता है, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ छोड़ दूंगा, बस एक बार बोलकर तो देखो। ये सुनने के बाद लिंडसे और जेनी को समझ आ जाता है कि ये बूढ़ा ठरकी है। तभी वो दोनों कार को अंदर से लॉक कर देती है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग कार से बाहर आते हैं और मदद के लिए आसपास घूमते हैं। तभी इन लोगों को दूर से एक चमकती हुई लाइट दिखती है। जब ये लोग पास जाकर देखते हैं तो इन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है। वहाँ पहुँचते ये दोनों बेल बजाते हैं। तभी अंदर से वो डॉक्टर बाहर आता है जो मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था। इस डॉक्टर का नाम हीटर होता है। फिर लिंडसे और जेनी डॉक्टर से कहती है, हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में हमारा कार खराब हो गया। हमने मैकेनिक को भी कॉल करने की कोशिश की पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगा। हीटर कहता है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। ये दोनों अंदर आकर बैठती है। तभी डॉक्टर इन दोनों से पूछता है, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जेनी उस पर कहती है, हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, यहाँ जर्मन हम दोनों घूमने आए थे। इस पर हीटर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पहले तुम दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर हीटर किचन से पानी लेने जाता है और चुपके से उसमें ड्रग्स मिला देता है। इन दोनों को इस बात की भनक भी नहीं रहती। इसके बाद हीटर इन दोनों को पानी पीने के लिए देता है। लिंडसे वो पानी पी लेती है और बेहोश हो जाती है पर जेनी से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। तभी हीटर को गुस्सा आ जाता है। ये देख जेनी घबरा जाती है और जान की भीख मांगती है पर हीटर उस पर रहम नहीं दिखाता और जेनी को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी अगली सुबह हीटर नाश्ता कर रहा होता है और दूसरी तरफ जेनी और लिंडसे को होश आ जाता है। उन दोनों को हीटर ने बेड से बांध रखा था। उसके बगल में वो ड्राइवर बंधा होता है जिसे हमने स्टोरी के शुरुआत में देखा था। तभी वहाँ हीटर आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में फिट नहीं बैठ रहे हो और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मरना होगा। ये कहकर हीटर उसे मौत का इंजेक्शन लगा देता है जिससे उस ड्राइवर की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीटर एक और आदमी को अपने लैब में लेकर आता है जिसका नाम कत्सुरो होता है और ये जापान का रहने वाला होता है। इसके बाद हीटर इन तीनों का मेडिकल टेस्ट करता है और ये तीनों का ब्लड ग्रुप आपस में मैच हो जाता है। इसके बाद हीटर इन तीनों को सर्जरी के बारे में समझाते हुए कहता है, पहले मैं तुम तीनों का नी बोन तोड़ूंगा जिससे तुम तीनों खड़े नहीं हो पाओगे। इसके बाद तुम तीनों को आपस में सर्जरी करके जोड़ दूंगा, ठीक इसी तरह जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट जो कुछ भी खाएगा वो डाइजेस्ट होकर मल बन जाएगा और वो मल सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और बी के सहारे सब्जेक्ट सी के मुंह में चला जाएगा और ये चेन ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुन उन तीनों का रूह कांप जाता है और घर जाने के लिए भीख मांगता है पर हीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आधा पागल और सनकी होता है। इसके बाद हीटर उन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा होता है पर तभी लिंडसे अपने मुंह से रस्सी को खोल लेती है और वहां से भागती है और भागते भागते उसका हाथ भी कट जाता है जिससे काफी ब्लीडिंग भी होती है पर वो जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है और बहादुरी दिखाते हुए दरवाजा लॉक कर लेती है पर हीटर विंडो तोड़ के अंदर आ जाता है पर लिंडसे खुद को बचाते हुए बाहर की तरफ भागती है और पूल में गिर जाती है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और मौका देख लिंडसे वहाँ से निकल जाती है और फिर वो लैब की तरफ भागती है। वहाँ पहुँचते ही वो जेनी को होश में लाने की कोशिश करती है पर जेनी काफी गहरी नींद में होती है। लिंडसे को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता इसलिए वो जेनी को घसीट कर बाहर की ओर ले आती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है
और लिंडसे को बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में डॉक्टर उन तीनों का सर्जरी कर रहा होता है। थोड़ा टाइम बाद सर्जरी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर उन तीनों को पूरी तरह से ह्यूमन सेंटीपीड बना चुका है। हीटर उन तीनों की तस्वीर खींचता है और उन तीनों मिरर में दिखाता है। ये देख वो लोग काफी रोते हैं। कुछ दिनों तक हीटर इन तीनों को काफी परेशान करते हैं और कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन हीटर का घर का बेल बजता है और बाहर पुलिस होती है। हीटर ये देख घबरा जाता है। ऑफिसर हीटर से कहता है, मुझे दो लड़कों की मिसिंग कंप्लेन मिली है और लास्ट टाइम का लोकेशन यहीं का दिखा रहा है, इस वजह से मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ये सुन हीटर कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं गया। इसके बाद हीटर किचन में जाता है और पानी में ड्रग्स की गोली मिला देता है। वो पानी लेकर बाहर आता है और ऑफिसर को देता है। ऑफिसर ग्लास को साइड में रख देता है और हीटर से क्वेश्चन करने लगती है। ये सुन हीटर को गुस्सा आता है और जबरदस्ती ऑफिसर को पानी पीने के लिए बोलता है, पर ऑफिसर पानी नहीं पीती और ग्लास को नीचे गिरा देते हैं। इस पर हीटर कहता है, आप बिना किसी सबूत के मुझे परेशान नहीं कर सकते। ये सुन ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हीटर लैब में जाता है पर वहाँ उसका ह्यूमन सेंटीपीड नहीं होता। हीटर उन तीनों को ढूंढने लगता है कि तभी कत्सुरो छुपकर उस पर हमला कर देता है और ऊपर की तरफ भागता है और उसी हालत में हीटर भी उसके पीछे जाता है। कत्सुरो ऊपर पहुंचते ही विंडो की कांच को तोड़ने लगता है। कांच टूटते ही वो एक टुकड़ा उठाता है और अपना गला काट लेता है, जिससे कत्सुरो की वही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर वहाँ फिर से आता है और डॉक्टर को ढूंढते हुए ऊपर चला जाता है। वहाँ हीटर पहले से ही एक गन लेकर बैठा था और ऑफिसर को शूट कर देता है। उसी हालत में ऑफिसर भी हीटर को शूट कर देता है और स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।